चलिए गाइस, एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूँ, और अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो समझ लेना कि आपका दिमाग और आईक्यू लेवल बहुत ही तेज चलता है। सवाल है कि एक मुजरिम को सजा सुनाई गई और तो उसको तीन कमरे दिखाए गए जाने के लिए। पहले कमरे में आग थी, दूसरे कमरे में हत्यारे थे और तीसरे कमरे में तीन शेर थे जो 3 साल से भूखे थे। मुजरिम कौन से कमरे से जाना पसंद करेगा? आपको कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और 5 सेकंड का आपका समय मिलता है। स्टार्ट। मुझे आशा है कि आपने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा। अगर सवाल का जवाब ढूंढ लिया है तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बाद में उत्तर देखिए। हम उत्तर बता देते हैं, शेर वाले कमरे से वो मुजरिम जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शेर 3 साल से भूखा है और भूखा होने की वजह से वो जीवित तो रहेंगे नहीं। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? कोई जल्दबाजी नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपको 5 सेकंड का समय मिलता है उत्तर जानने के लिए। उत्तर होगा अंडा। अंडा को गर्म करने पर क्या होता है? वो जम जाता है। इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज़ है जो पूरे महीने में एक बार आती है और 24 घंटे पूरे होने पर ही चली जाती है? आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। स्टार्ट। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि उसका उत्तर क्या होगा। तारीख। तारीख क्या होता है? पूरे महीने में एक बार आती है लेकिन 24 घंटे में होने पर ये वो बदल जाती है। और चौथा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें जीवन में 2 बार फ्री में मिलती है लेकिन 3री बार नहीं? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। चलिए उत्तर बता देता हूँ मैं। दांत है। दांत क्या होता है? हमें बचपन में 2 बार मिलता है, एक दूध वाला और एक चावल वाला, है ना? तो और 3री बार हमें नहीं मिलती है दांत। 3री बार हमको दांत लगवाना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। स्टार्ट। तो बैंक को हिंदी में बता दें कि इसको हिंदी में कहते हैं अधिकोष। और इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि 3 लगातार दिनों के नाम बताने हैं पर बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं आना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकंड का। चलिए शुरू हो गया। आई होप को आपको यह उत्तर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो हम बता देते हैं, ये 3 दिनों के नाम हैं, यस्टरडे, टुडे और टुमारो। आपको यह फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सब्सक्राइब के घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन ना छूटने पाए। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, केवल 2 का यूज करके 23 को कैसे लिख सकते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो मैं बता दूं को कि 2 का प्रयोग करके 23 कैसे लिखा जा सकता है। एक बार हम 22 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और 2/2 लिख देंगे। आपका कैंसिल होकर 2/2 1 हो जाएगा और 22 और 1 23 हो जाएगा। हमारा आंसर 23 मिल जाएगा। तो आपको इस अमेजिंग फैक्ट को जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।